मेरी बहन को कुछ मत बोलो, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। आखिर के भएको थियो त अलिजे जमाली र आयुसिंह ठकुरीमा? किन एकाएक आगो भइन् त अलिजेकी बहिनी? लाइफ खुल के इंजॉय करें, 2 साल हो गए मेरी बहन इंजॉय नहीं करती अपनी लाइफ को। मेरी बहन बाहर जाती है, जाते ना क्या हो गई भीर? जाते कार तुम बैठो ना, मैं गेस्ट पे आती हूँ। मुझे वो बाहर जाती है, वो खुल के ना खा पाती है ना खुल के कुछ कर पाती है, क्योंकि उसके दिमाग में इतनी चीजें आ गई हैं। उसके है ना आपसंग छ सदैव राखिराख्ने हो, उसको दुःखमा म सुख, मेरो दुःखमा ऊ सुख, त्यही हो। अनि त्यही हो, भोलिको टाइममा यस्तो दिन पनि आयो भने चाहिँ सजना सपोर्ट गर्नुलाई, अनि म त मेरो अर्डर केही छैन। किनकि बागमा यो सारी चिजें के, कोही पिक्चर बना लेगा, कोही ये कर लेगा, कोई ऐसा कर लेगा, कोई वैसा कर लेगा, और नकाब की वजह से उसे इतना इतना लोगों ने क्रिटिसाइज। कहीं गलत छैन हैन, केही ऊ छैन हैन। अब उसले आफ्नो खुसीको लागि गरेको थियो 2 वर्ष अगाडि, जुन त कोरोनाको टाइम थियो हैन। मास्क लगाउँथ्यो, मास्क लगाउँदैपछि उसले त्यो गर्न मलाएन। अब उनीहरूको कस्तो हुन्छ भने चाहिँ उनीहरूको रिभिजनमा किया है, एंड नकाब भी उसने शरई नकाब नहीं किया। जितने भी लोग मुस्लिम हैं यहाँ पे वो मेरी बात समझ रहे होंगे कि उसने शरई नकाब नहीं किया। शरई नकाब होता है कि बाहर वालों से नकाब करना, बाहर वालों से अपना फेस छुपा। जसले हिजाब गर्छ है टाउकोमा जो लगाउँछ नि, त्यो भनेको एक्चुअली गरेपछि पछि छोडेपछि त्यो भनेको नराम्रो हो, र त्यसमाथि घर परिवारले नि सपोर्ट गर्दैन नै, त्यो कुरामाथि घर परिवारले नि सपोर्ट गर्दैन। तर जुन यो नकाब भनेको त्यो कस्तो चिज भन्दाखेरि चाहिँ विशेष भर्खर भर्खर भयो भने त 2 वर्ष लगभग झन्ने होइन। नकाब भनेको त्यस्तो चिज हो कि उसको मर्जी हो अनि उसको हस्बेन्डको मर्जी हो है, उसको हस्बेन्डले भन् सपोर्ट गर्छ गर्दैन। अब मलाई त के छ र यार।